जी हाँ दोस्तों, 95% हारे हुए मुकाबले को इस तरह से जीत गई राजस्थान रॉयल्स की टीम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल 2021 का एक और रोमांचक मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम ओवरों में ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स की जीत को लेकर खुश हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 का 47वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। मैच की शुरुआत हुई जहाँ राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में फाफ डु प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दो बेहतरीन चौके लगाए और एक ही ओवर में 10 रन बटोर लिए। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर में चेतन साकरिया ने किफायती ओवर करते हुए मात्र 2 रन खर्च किए। वहीं अब 5वें ओवर में फाफ डु प्लेसिस ने भी अपने आक्रामक बल्लेबाजी का नजारा दिखाया और एक के बाद एक दो बेहतरीन चौके लगाए। इसके बाद 6वें ओवर में फाफ डु प्लेसिस ने एक बेहतरीन छक्का जड़ा। अब तक सीएसके की टीम को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। पावर प्ले के 6 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाई 44 रन बना लिए थे। लेकिन अब इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम राहुल तेवाटिया ने किया। फाफ डु प्लेसिस को स्टंप आउट कराकर 25 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब सीएसके की टीम के रनों की गति थोड़ी सी धीमी हो गई थी। अब राहुल तेवाटिया ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सुरेश रैना को मात्र 3 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। एक के बाद एक विकेट गिरने की वजह से सीएसके की रनों की गति थोड़ी सी धीमी हो चुकी थी। 10 ओवर में चेन्नई की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 63 रन भी बना लिए थे। लेकिन अब 10 ओवर के बाद एक बार फिर से सीएसके की टीम के रनों की गति बढ़ गई, जहां ऋतुराज गायकवाड़ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक चौके लगाते हुए दिख रहे थे। तो वहीं पर अब 13वें ओवर में मोइन अली ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक छक्का लगाया। इसी के साथ सीएसके की टीम ने 14 रन बटोर लिए। वहीं अब 14वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ राजस्थान के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो गए। जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ ने 15वें ओवर में 2 तूफानी छक्के जड़ दिए। हालांकि इसी ओवर में मोइन अली 21 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। इसी के साथ 15 ओवर में चेन्नई की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए थे। लेकिन अब 16वें ओवर में एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ का तूफान आया, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके और एक छक्का जड़ा। लेकिन 17वें ओवर में नए बल्लेबाज अंबाजी रायडू 2 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं 18वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ छक्का लगाकर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जडेजा भी बाउंड्री लगाकर ऋतुराज गायकवाड़ का पूरा साथ दे रहे थे। हालांकि जडेजा लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी तो कर रहे थे, परंतु शतक के करीब पहुंच चुके ऋतुराज गायकवाड़ को स्ट्राइक नहीं मिल पा रही थी। वहीं 20वें ओवर में जडेजा ने एक के बाद एक 2 चौके और एक छक्का लगाया। अब इनिंग्स के आखिरी गेंद थी और ऋतुराज गायकवाड़ को शतक पूरा करने के लिए 5 रनों की जरूरत थी, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना शतक को पूरा किया। इसी के साथ 20 ओवर में चेन्नई की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 189 रन बना लिए। अब राजस्थान रॉयल्स के सामने 190 रनों जैसा पहाड़ जैसा लक्ष्य मौजूद था। वहीं दोस्तों अब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल और एविन लुईस बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां यशस्वी जायसवाल शुरुआत से ही बेहद ही शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल 3 बेहतरीन चौके जड़कर एक ही ओवर में 16 रन बटोर लिए। इसके अगले ही ओवर में एविन लुईस ने एक छक्का और एक चौका लगाया। इसी के साथ 3 ओवर में राजस्थान की टीम 41 रन बना चुकी थी। एक के बाद एक राजस्थान के ओपनर बल्लेबाज चौके और छक्के की बरसात कर रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अब 5वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने जोस हेजलवुड को 4 गेंदों पर 3 छक्के और एक चौका लगाया। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने 14 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों अब 6वें ओवर में एविन लुईस 27 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। इसी के साथ पावर प्ले के 6 ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 81 रन बना लिए थे। अब दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में सीएसके की तरफ से केएम एसिफ ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जलवा बिखेरा। तूफानी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को 50 रन के स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन ने इसी ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाकर रनों की गति को कम होने नहीं दिया। वहीं दोस्तों संजू सैमसन का साथ देने के लिए दूसरे छोर पर शिवम दुबे मौजूद थे, जहां शिवम दुबे ने अपने बेहतरीन और आक्रामक बल्लेबाजी का रवैया अपनाया और 9वें ओवर में एक तूफानी छक्का जड़ दिया। अब 10वां ओवर लेकर आई मोइन अली,
जी हाँ, शिवम दुबे ने मोइन अली को 2 तूफानी छक्के लगाए और इसी के साथ 10 ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 119 रन बना चुकी थी। राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत के लिए आखिरी के 60 गेंदों में मात्र 71 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों, अब 12वें ओवर में शिवम दुबे ने एक बार फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका और छक्का लगाया। इसी के साथ शिवम दुबे और संजू सैमसन के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद 13वें ओवर में इन दोनों ही खिलाड़ियों ने बाउंड्री लगाई और जॉस हेजलवुड के इस ओवर में 12 रन लूट दिए। वहीं दोस्तों, इसी के साथ अब शिवम दुबे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत के लिए 42 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत थी। अब दोस्तों, 14वें ओवर में शिवम दुबे ने 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी के साथ दोस्तों, 15 ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 2 विकेट गंवाकर 165 रन बना लिए थे। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत के लिए आखिरी के 30 गेंदों में 25 रनों की जरूरत थी। दोस्तों, 16वें ओवर में संजू सैमसन ने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर 28 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि दोस्तों, आप सभी को बता दें कि राजस्थान की टीम को जीत के लिए आखिरी के 24 गेंदों में मात्र 20 रनों की जरूरत थी। अब एक के बाद एक राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत के करीब जा रही थी। वहीं अब 17वें ओवर में राजस्थान के बल्लेबाजों ने एक ही ओवर में 16 रन बटोर लिए, जहां ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से एक शानदार चौका और एक छक्का देखने को मिला। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत के लिए आखिरी के 18 गेंदों में मात्र 4 रनों की जरूरत थी। जॉस फिलिप ने शानदार छक्का लगाकर राजस्थान की टीम को जीत दिलाई। इस तरह से राजस्थान की टीम ने जीत हासिल की। दोस्तों, इसी में राजस्थान की जीत पर चेन्नई की हार पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।